रनिंग एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। हल्के फुल्के कपड़े और अच्छी क्वालिटी के जूते पहनकर कोई भी रनिंग कर सकता है। यह बात सही है कि रनिंग एक बहुत अच्छी और बहुत ही साधारण सी एक्सरसाइज है। किसी भी टाइप की बॉडी फिजिक वाला व्यक्ति जैसे मोटा या पतला रनिंग फिट रख सकता है, लेकिन रनिंग के दौरान कुछ सावधानियां रखना भी बेहद जरूरी होता है। रनिंग से जुड़े नियमों को फॉलो करना भी जरूरी होता है ताकि हड्डी की चोट, मसल्स में इंजरी यानी मांस का फटना, शिन स्प्लिंट यानी पैर के निचले हिस्से में दर्द, पेट दर्द और घुटनों के दर्द से बचा जा सके। तो फ्रेंड्स, हम और आप आज के इस वीडियो में तीन ऐसी जरूरी बातों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अपनाकर रनिंग के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके और अपनी दौड़ को तेज और लंबी दूरी तक कायम रखा जा सके। पहले बात करते हैं रनिंग शूज के बारे में। रनिंग शूज दौड़ का एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छी क्वालिटी के रनिंग शूज हमारे पैर के पंजों और एड़ियों को दौड़ते समय सपोर्ट देते हैं, जिससे हम चोट से बचे रहते हैं और हमारी दौड़ की प्रैक्टिस भी लंबी चलती है। रनिंग शूज खरीदते समय ध्यान रखें कि शूज आपके पैरों में पूरा फिट हो और शूज का तलवा गद्देदार हो। इससे आपको तेज दौड़ने में आसानी होगी और आपके पैरों को इससे झटके भी नहीं लगेंगे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं रनिंग के स्पेशलिस्ट लोगों के बारे में, मतलब ऐसे लोग जो काफी समय से रनिंग कर रहे हैं या रनिंग के मामले में वे लोग सीनियर है। ऐसे लोगों से समय समय पर रनिंग के तरीके और रनिंग से जुड़ी अन्य बातों पर चर्चा करें और रनिंग में उनके अनुभव का लाभ उठाएं। एक अनुभवी व्यक्ति आपकी कई मुश्किलों को हल करके आपको विजेता बनाने की हैसियत रखता है। रनिंग के अनुभवी व्यक्तियों से समय समय पर सलाह लेते रहे। तीसरे नंबर पर बात करते हैं वार्म अप और स्ट्रेचिंग की। रनिंग से पहले 5 मिनट का वार्म अप और 5 मिनट की स्ट्रेचिंग अवश्य करें, जिससे कि आपकी बॉडी दौड़ने के लिहाज से पूरी तरह तैयार रहे। क्योंकि बिना वार्म अप या स्ट्रेचिंग के आप दौड़ेंगे तो फिर मसल्स में खिंचाव की आशंका बनी रहेगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए दौड़ से पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग जरूर करें तथा दौड़ खत्म करने के बाद कूल डाउन एक्सरसाइज भी करें। वार्म अप में आप रस्सी कूदें, जंप करें और स्ट्रेचिंग में आप रबड़ बैंड की मदद से अपनी बॉडी को आसानी से स्ट्रेच करके दौड़ के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इन तीन टिप्स को अपनाकर आप अपनी दौड़ को तेज और लंबी बना सकते हैं। नाउ ओके फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।